हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम 500 स्क्वायर फीट के एरिया में जब हम घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए जो है कितना पैसा खर्च होगा। ओके, तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ पर जो है हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से बना करके रखा हूँ। ओके, वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सीमेंट का कॉस्ट कितना है, स्टील का कॉस्ट कितना है, एग्रीगेट्स का कॉस्ट कितना है, उसके प्लंबिंग मटेरियल का कॉस्ट कितना है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का कॉस्ट कितना है, टाइल्स का कॉस्ट कितना है, ग्रेनाइट का कॉस्ट कितना है, मार्बल का कॉस्ट कितना है। ओके, पेंट वर्क का पेंटिंग के लिए जो मटेरियल लगेगा उसका कॉस्ट कितना है। ओके, और हमारा जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉस्ट कितना है। ओके, मतलब हर एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको जो है घर बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, लोगों को खासकर क्या परेशानी होता है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। ओके, 2-4-5 लाख 10 लाख हो गया, घर शुरू कर दिया, मालूम चला कि घर का जो बजट आ रहा है 15 लाख आ रहा है, बीच में उनका घर जो है बंद रुक जा रहा है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो समस्या होती रहती है। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। ओके, तो गाइज, मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है कि जब आप 500 स्क्वायर फीट के एरिया में जब आप घर बनाइएगा तो घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। ओके, क्लियर। मैं अभी की समय की बात कर रहा हूं, सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आप 100% समझ जाएंगे कि घर बनाने में कितना खर्च आता है। ओके, क्लियर। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब हम 500 स्क्वायर फीट में घर बनाएंगे तो यहां पर जो है हमें 200 बैग जो है सीमेंट लगने वाला है। ओके, और यहां पर मैं रेट कंसीडर किया हूं 375 रुपीज पर बैग। ओके, तो ये इसके हिसाब से अगर हम इसका रेट के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें सीमेंट परचेस करने के लिए 75,000 रुपीज लगाना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्टील। ओके, तो स्टील जो है 500 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 1800 केजीज जो है रिक्वायरमेंट होगा, मतलब 1.8 टन्स जो है स्टील आपको लगने वाला है। ओके, अगर हम इसका रेट के बारे में बात करें तो 83 रुपीज पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिलता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर इसका कॉस्टिंग आप देख सकते हैं 1,49,400 रुपया जो है आपको स्टील परचेस करने में लगेगा। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा रिवर्स एंड। ओके, यहाँ पर जब रिवर्स एंड परचेस करेंगे तो रिवर्स एंड यहां पर देख सकते हैं कि 50 टन आपको रिवर्स एंड लगने वाला है। ओके, और रिवर्स एंड का जो कॉस्ट है यानी प्राइस है, बेसिक प्राइस जो है वो 1700 रुपीज पर मैट्रिक टन है। ओके, तो इसके हिसाब से इसका रेट जो है हो जाएगा कितना, 85,000 रुपीज। रिवर्स एंड का हो जाएगा 85,000 रुपीज। ओके, उसके बाद आता है हमारा एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स जो है मतलब यहां पर दो एग्रीगेट्स हमें लेना पड़ेगा, एक 10 mm का, दूसरा 20 mm का। ओके, तो दोनों मिलाकर के जो है यहां पर 35 मैट्रिक टन्स जो है यहां पर एग्रीगेट्स आपको लगने वाला है। ओके, और इसका अगर मार्केट रेट के बारे में बात करें तो यहां पर 1300 रुपीज पर मैट्रिक टन्स के हिसाब से मिलता है। ओके, क्लियर। उसके हिसाब से इसका रेट हो जाएगा 45,500 रुपीज। ओके, उसके बाद आता है हमारा ब्रिक्स, मतलब 500 स्क्वायर फीट के एरिया में जब आप घर बनाइएगा तो उसमें जो है आपको 8,000 ब्रिक्स आपको लगेगा। ओके, अगर हम ब्रिक्स का रेट की बारे में बात करें तो मतलब 10 रुपया 11 रुपया 9 रुपया तक चलता है, मतलब 9 रुपया 10 रुपया 11 रुपया तक चलता है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ओके, तो यहां पर जो है मैं 10 रुपया पर ब्रिक्स मैं कंसिडर किया हूं, तो इसके हिसाब से इसका रेट हो जाएगा कितना, 80,000 रुपीज। ओके, मतलब हमें ब्रिक्स परचेस करने के लिए 80,000 रुपीज हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के लिए यहां पर 25,000 रुपीज आपको लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमारा प्लंबिंग। ओके, तो प्लंबिंग के लिए जो हमें 25,000 रुपया हमें लगाना पड़ेगा, मतलब दोनों जो है लगभग दोनों अप्रोक्सीमेट उतना ही रेट आता है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल में और प्लंबिंग मटेरियल में लगभग कॉस्ट जो है दोनों सिमिलर रहता है। ओके, थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे हो सकता है, 2-4-5-10 हज़ार रुपया का जो है आगे पीछे हो सकता है। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइल्स। जब हम टाइल्स परचेस करने के लिए जाएंगे तो यहां पर जो है 500 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए हमें 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहां पर जो है
अच्छा क्वालिटी का टाइल्स मैं कंसीडर किया हूँ उसके हिसाब से इसका रेट जो है ज़्यादा हो रहा है। ओके, अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा अगर लो क्वालिटी का लीजिएगा या फिर मीडियम क्वालिटी का लीजिएगा तो थोड़ा रेट जो है कम हो सकता है। ओके, क्लियर। बट यहाँ पर जो है मैं मीडियम क्वालिटी, पुअर क्वालिटी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जो एक नंबर क्वालिटी होता है अच्छा वाला वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। उसके लिए जो आपको 30,000 रुपीज आपको लगाना पड़ेगा बढ़िया टाइल्स के लिए। ओके, उसके बाद करते हैं ग्रेनाइट। ओके, तो ग्रेनाइट के लिए जो है 15,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ग्रेनाइट जनरली जो है बहुत कम यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो डोर का फ्रेम होता है वहां पे यूज करते हैं, विंडो का फ्रेम है वहां पे यूज करते हैं, या फिर जो हमारा किचन का फिंस होता है वहां पर यूज करते हैं, तो यह उसका क्वांटिटी कम रहता है, इसकी वजह से इसका रेट जो है कम हो जाता है। ओके, तो ग्रेनाइट वर्क के लिए जो हमें यहाँ पर 15,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा 500 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए। ओके, उसके बाद हम यहां पर बात कर लेते हैं पेंट के बारे में। ओके, तो पेंट के लिए जनरली जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 30,000 रुपीज मैं कंसीडर किया हूं, और यहां पर एक नंबर का जो पेंट होगा एशियन पेंट, ब्रांडेड पेंट, वो मैं कंसीडर किया हूं। ओके, मतलब मैक्सिमम रेट में लेकर के चल रहा हूं कि इससे ज्यादा आपका पैसा खर्च होगा ही नहीं। ओके, तो यहां पर जो है पेंटिंग के लिए आपको जो है पेंटिंग का मटेरियल के लिए जो है या फिर पेंटिंग करवाने के लिए, मतलब दोनों इंक्लूड है, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूड है, उसमें जो है आपको 30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पेंट के लिए। उसके बाद आता है डोर वर्क, मतलब यहां पर जो हमें विंडो के लिए, तो विंडो के लिए जो है अगर हम 2 BHK फ्लैट बना रहे हैं, ओके, तो यहां पर हमको जो है कम से कम मिनिमम जो है 3 विंडो हमको लगाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब 3 विंडो के साथ चलिएगा तो 15,000 रुपया जो है आपका विंडो में जाएगा। विंडो का रेट मैं यहाँ पर 5,000 रुपीज में कंसीडर किया हूँ, जो मतलब स्टैंडर्ड विंडो होता है, मतलब जो रनिंग में जो स्टैंडर्ड विंडो हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से मैं रेट कंसीडर किया हूँ। तो 3 विंडो का रेट जो है 15,000 रुपीज इनफ है, उतना में आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम विंडो। ओके, क्लियर, स्लाइडिंग वाला। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डोर के बारे में। ओके, तो डोर यहां पर जो है 3 डोर लगने वाला है, क्योंकि आप 500 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं तो वहां पर एक मेन डोर होगा, उसके बाद 2 जो है बेडरूम होगा उसमें एक एक डोर होगा। ओके, उसके बाद 1 डोर होगा बाथरूम का। ओके, तो यहां पर टोटल जो है 4 डोर आपको लगने वाला है, तो उसके लिए जो यहां पर 30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डोर परचेस करने के लिए। ओके, तो डोर के लिए जो है आपको 30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं मार्बल। ओके, जनरली आप अगर लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपका हॉल का एरिया होगा या फिर जो कॉरिडोर का एरिया होगा वहाँ पर जो आप लोग मार्बल लगा सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर जो है उसके लिए मैं 15,000 रुपीज मैं कंसिडर करके रखा हूँ। अगर आप लगाइएगा तो ये पैसा इंक्लूड होगा, नहीं लगाइएगा तो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, लेकिन मैं मतलब अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है मैं वो रेट मैं कंसिडर कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो बजट बनाने में। ओके, क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। ओके, तो लेबर कॉस्ट जो है जैसा कि यहां पर मैं कंसीडर किया हूं कितना 275 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ओके, हमारा एरिया कितना है घर बनाने वाला 500 स्क्वायर फीट का है। ओके, उसके हिसाब से देखिएगा तो 1,37,500 रुपया जो है हमें लेबर कॉस्ट में चला जाएगा, मतलब लेबर को हमें देना पड़ेगा 1,37,500 रुपया। ओके, तो लेबर काम क्या क्या करेगा, पूरा स्ट्रक्चर वर्क का काम करेगा यानी फ्रेम वर्क का काम करेगा। ओके, यानी कॉलम कास्टिंग करेगा, बीम कास्टिंग करेगा, उसका हमारा स्लैब कास्टिंग करके देगा, उसका ब्रिक वर्क काम करके देगा, उसका इंटरनल प्लास्टिंग काम करके देगा, एक्सटर्नल प्लास्टिंग का काम करके देगा। ओके, और मतलब A to Z काम करके हमको ये चीज दे देगा इतना रुपया में। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप 500 स्क्वायर फीट के एरिया में जब आप घर बनाइएगा तो यहां पर जो है आपको 7,57,400 रुपया जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी 500 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए 7,57,400 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी इतना कॉस्ट आएगा। ओके, इससे ज्यादा जो है 1 रुपया भी आपको नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत इससे कम ही हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा रेट जो है ज्यादा मैं कंसिडर करके चला हूं ताकि आप लोग कोई बजट बनाने में परेशानी ना हो। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो सारा डिटेल है जो कि मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया आप लोगों के लिए, ओके, देख सकते हैं यहां पर।
ओके तो इसके हिसाब से आप लोग देखिएगा तो आपको जो है 500 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए जो है 7,57,400 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके इसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा। ओके आपका कमेंट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके इसलिए आप लोग कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा। ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।